हरियाणा के नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। बडोली ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की। बडोली ने नया दायित्व मिलने पर आभार जताया है। हरियाणा के नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोहनलाल बडोली को मंगलवार को हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने बयान दिया है। मोहनलाल बडोली ने कहा कि उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष से मुलाकात कर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर आभार जताया है। आज मैंने दिल्ली आकर हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी से और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी से संगठन के विषय में विचार विमर्श चर्चा की है और नई जिम्मेवारी मिली है और सबको एक साथ जोड़ के हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बने। आज मुलाकातें नहीं है, जैसे ही बड़े नेताओं का मुझे टाइम मिलेगा वैसे ही, क्योंकि कई नेता दिल्ली से बाहर हैं और जैसे ही वो आएंगे मैं तुरंत दिल्ली में आके सभी से नया दायित्व देने के लिए आभार जताते हुए मोहनलाल बडोली ने दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। मोहनलाल बडोली ने कहा कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे। राजनीति में चुनौतियाँ हर समय रहती है, हर वक्त रहती है और चुनाव चुनौतियों से भरा हुआ विषय है और उसको बहुत अच्छे से हम पूरा करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम है, लाखों कार्यकर्ता हरियाणा प्रदेश में, वो सभी भारतीय जनता पार्टी के काम को आगे बढ़ाने। दरअसल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहनलाल बडोली को अब जल्द ही विधानसभा चुनाव में बड़ी परीक्षा देनी होगी। विधानसभा चुनाव में उन्हें कई परीक्षाओं के साथ साथ संगठन की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती रहेगी। इससे पहले लोकसभा चुनाव सीएम नायब सिंह सैनी के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लड़ा गया था। वहीं इससे पहले 2014 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे। साल 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष थे। बाद में उनकी जगह ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और फिर ये जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी संभाल रहे थे। अबराई से विधायक मोहनलाल बडोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी आलाकमान ने साफ संदेश दिया है कि लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी उनका नजरिया गैर जाट राजनीति पर ही फोकस रहेगा। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।